और ये देखे सरसों के खेत भाई, गांव के नज़ारे, भैंसे, बहुत शानदार नज़ारा है यार, मज़ा आ गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आए भाई अपने पुश्तैनी गांव, जो हमारा सदियों पुराना गांव है, कितना शानदार और कितना गजब का गांव बना हुआ है। तो भाई हमारे पुश्तैनी गांव है, हमारे दादा परदादा, उनके दादा के दादा सब यहां पर रहा करते थे। तो भाई अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और हमारे जो भाई हैं यहाँ पर, हमारे जो दादा के भाई के बेटे, वो हमें घुमा रहे हैं, सारा गांव अपना पूरा दिखा रहे हैं। तो अभी हम लोग देखिए घूमते हुए घूमते घूमते आ चुके हैं इस जगह पर। यहाँ एक तोप रखी हुई है, ये कोई पार्क वगैरह, ये क्या है ये? तो अभी इस पार्क के अंदर चल रहे हैं, देखे कहाँ से जाने की व्यवस्था है कि नहीं। हाँ ये गेट खुला हुआ है भाई एक, तो ये गेट खुल चुका है, ये छोटा गेट, साइड गेट लगाइए बनेगा, बेहतरीन लग रहा है यार। ये तोप रखी हुई है, और मौसम भी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है फिलहाल में, तो सर्दी सी लग रही है, उंगलियाँ एकदम ठंडी हो गई है बर्फ़ जैसी। और यहाँ पर देखें पानी वानी भरा हुआ है, तो इसकी ठंडी हवा और ज़्यादा आ रही है। और सरसों के खेत भाई, शाहरुख खान की यादें इस खेत से जुड़ी हुई हैं लग रहा है। ये देखें क्या ही खेत है, क्या ही नज़ारा है माशाल्लाह। गांव का नज़ारा तो भाई अलग ही लेवल का होता है। तो भाई अभी पार्क वार्क घूम के आ चुके हैं हम लोग, और हर तरफ सरसों ही सरसों लगी है। इस टाइम सरसों का सीज़न चल रहा है ये, और बहुत मज़ा आ रहा है भाई। और एकदम बेहतरीन हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, नाक वाक सुखड़ चुकी है ठंड के मारे। और यहाँ पर सामने ये मुर्गी फार्म है। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं घेंगे साहब मियाँ की दरगाह पर, जो वो इनका एक मज़ार है जिस तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह पर, जो जिसे मज़ार कहते हैं। तो घेंगे साहब मियाँ उनका नाम है उनकी दरगाह का, तो वो काफ़ी ज़्यादा पुराने, और बताया जाता है उनके घेंगा हो गया था, एक बीमारी होती है घेंगा, तो उसमें कुछ कीड़े वगैरह पड़ जाते थे, तो वो जब गिर जाते थे वो उठा के वापस उसमें रख लिया करते थे। और जब उनका इंतकाल हुआ था, तो उन्होंने इंतकाल से पहले खुद ही गुसल लिया था, अपना कफन उन्होंने खुद सिला, और जाके कफन ओढ़ के उसमें कब्र में लेट गए, तो कब्र भी खुद ही खोदी थी उन्होंने अपनी। और जब वो लेट गए जाके, तो उनका इंतकाल हो गया, उनकी रूह कब्ज़ हो गई, ऐसा बताते हैं यहाँ के गाँव के लोग। तो अभी उनकी कब्र पर अभी जा रहे हैं हम लोग, चलिए दिखाते हैं आपको भी उनकी कब्र कैसी है। यहाँ पर एक कोयले की भट्टी है, और ये देखिए अभी भाई ने तोड़ के दिए, और बता रहे हैं इसे खाओ तो मीठी मीठी लगती है, ये सरसों के खेत में से तोड़ के उन्होंने निकाली, देखिए तोड़ रहे अभी। क्या ऐसे कुछ कहते हैं क्या? कलर कहते हैं इसको, कलर अच्छी लगती खाने में, कलर। हाँ, और वो पीला फूल है, उससे तेल निकलता है सरसों से, सरसों कहते हैं। लाही 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 है, और ये पीला फूल है जो इसको कलर बोलते हैं, कलर। तो जानवरों में चारे मिला खिलाते हैं। तो हम जानवरों का चारा खा रहे हैं अभी फिलहाल, मतलब ये खाया नहीं, सब्जी भी बनाई जाती है, कलर हम खा रहे हैं भाई, टेस्ट करते हैं, में टेस्ट ऐसा नहीं है। हाँ कोयले की भट्टी, मीठी मीठी है। हाँ और ये देखो कोयले की भट्टी है, यहाँ पर कोयला बनता है, आपको दिखाता। ये देखिए यहाँ पर ये कोयले की भट्टी है सारी, और ये कितनी सारी लकड़ी रखी हुई है, ये सारी जल जाएगी और कोयला बनेगा इसका। और काफ़ी सारी भट्टियाँ बनी हैं, 1 2 3 4 5 छः भट्टियाँ बनी हैं, छः बनी है क्या? ये बेरी लगी वाला, ये बेर है, और ये बेर है, बेरी बेरी है, ये हरे हरे बेर है अभी तो, चिड़िया बैठी हुई, अभी ये पक जाएंगे तो ये सब इधर ही गिरेंगे फिर। बेर अभी छोटे छोटे बेर है, यहाँ गेहूँ लगा हुआ है, और कड़ल खा रहे हैं, भूल गया मैं नाम, कलड़ी है शायद। और ये पूरा गेहूँ लगा हुआ है पूरा, और ये जो नालिया दिख रहा है आप लोग शायद जानते होंगे, इसमें पानी भर जाता है, और इसके जरिए फिर खेतों में पानी जाता है इस नाले के जरिए। हाँ वो मैं बता रही हूँ, गेहूँ है ये, ऐसा लग रहा है हम बकरी बन गए, फेंक दो। लहसुन, ये लहसुन लगा हुआ है देखे, भारी करी, ये महीन महीन दिख रहा है जमीन में। अच्छा ये पूरी लहसुन की खेती है,
मालूम इसका हम लोग क्या करते हैं, जब लाई जब शुरू में निकलती है तो इसको तोड़ के और ऐसे काट के पानी में डाल देते, फूल के बिच्छू बन जाती है। अच्छा हाँ, अभी हम ले जाएंगे, हम तुम्हें दिखाएंगे तुम्हें करिश्मा। इसको पानी में डाल देंगे जब सुबह डूब ये तो अभी नरम है, जैसे ज्यादा पुरानी हुई थी फिर नहीं, फिर जो खाए नहीं दिए ये समझो बड़ी हो गई। काट के ऐसे करके इधर छुरी से कर दो चार पाँच कपे, फिर वो ऐठ के गुलाब ऐसी बन जाती है टेढ़ी। हाँ कुदरती एक जगह माल है, एक कुदरती कवाल है भाई, इसे काट के बिच्छू बना देते हैं पानी में डाल के भाई। तो अभी लेके चलेंगे, लौटते में बिच्छू बना के देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे बिच्छू। हाँ, सही कह, जो डली है इसके ऊपर ये चीज ऐसी होती है, वो बेरी के ऊपर हरे बड़े पेड़, हाँ हरे बड़े पेड़ में डाल दो पेड़ सुखा देती, अमर बेल बोलते हैं इसको, अमर बेल। हाँ ये पीली पीली दिख रही है, किसी भी हरे पेड़ के ऊपर डाल दो सूख जाती है। हाँ चूस लेती पानी जैसे, नहीं आदमी को सूखा हो जाता है। देखो हम तोड़ दिखा रहे तुम्हें, अमर बेल है ये, हरे पेड़ में डाल दो सूख जाती है। ये बेर बहुत बढ़िया होते थे, अमर बेल इसने पीछा छोड़ा नहीं, ये सूख गई है। तो ये जो अमर बेल है भाई, किसी भी हरे पेड़ के ऊपर डाल देते हैं पेड़ सूख जाता है। ये अमर बेल है, सूख गई अभी पहुंच नहीं पा रहा, और टोड़े बड़ी बड़ी इधर से टूटे टीवी कर देता है ये पेड़ को। हाँ, टीवी कर देता, सही कह रहा है, सुखा देता है, सुखा देता। समझो तो अच्छे वाले पेड़ हम लोग उदम करते पहले, फिर ये ऐसी बेल है हमारे बेल, किसी भी हरे पेड़ को भाई सुखा देती है, जैसे कहते हैं टीवी, पेड़ की टीवी है ये। कोई जड़ नहीं होती, ये बेशरम होती है, क्यों ये इसका पेड़ का पानी सूखती जाती है और ये बढ़ती जाती है। ये मेन दरगाह का गेट है, तो अभी चल रहे हैं ये दरगाह के अंदर, हम लोग एंटर हो चुके हैं और ये कुआं बना है स्टार्टिंग में, कुआं दिखाते हैं भाई पास से क्या है कुआं के अंदर। ओहो बहुत गहरा है अभी तो, पास से ये उड़ गए तोते उड़ गए। ये सब दरगाह की जगह है, ये लबेले का पेड़ है इसमें, मतलब गोल गोल नहीं देखो तुम्हें, अंगूर जैसे फलते बच्चे इसमें, वो क्या कहते हैं अचार बनता है लबेड़ा, देखो लबेड़े का उसी का पेड़ है, अभी लगे नहीं है लग रहा। दादा बहुत खाते हैं लबेड़ा अचार, ये मुझे भी बड़ा पसंद है, बहुत चूसते थे अंदर गुठली थी, आप पक जाए ना वो चूसते थे, इनमें है नहीं समझो अभी। जाओ चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं मन्नतों की पन्नियां बन रही है काफी सारी। तो यहाँ मजार के अंदर ही कब्रिस्तानें बनी हुई है, ये सारी कब्रिस्तान है और मजार के अंदर ही साइड से ईदगाह बनी है, तो सामने ईदगाह है, तो अभी चल रहे हैं ईदगाह के अंदर, देखते हैं गांव की ईदगाह कैसी होती है। तो इसमें घास वास निकल आई ईदगाह के अंदर, तो भाई टाइम आता है ना जब सफाई करते हैं, ईद का टाइम पे सफाई हो जाती है इसके अंदर, ये ईदगाह है, काफ़ी छोटी सी ईदगाह है वैसे तो। बेर जब पक जाएंगी ना जी, अरे यहाँ बेर के पेड़ बहुत लगे हैं, अरे ये बहुत मीठे लगते, वो बेरी तो उधर लगी एक और साइड कुन्ने में, उसका तो बेर ऐसा है ना तुम समझे जैसे खजूर खा रहे हो ऐसा। अच्छा इतना मीठा। तो अभी अपने खेत की तरफ चल रहे हैं, जो हमारे खेत हैं हमारे भाई के अब्बा के खेत हैं, जो बहुत पुराने पुश्तैनी खेत पड़े हुए हैं, तो चलते हैं अभी खेत वेत देखने चलते हैं। और ये जो पीले क्या लगी है, इसे क्या कहते हैं, लाई क्या कहते हैं इसको, लाई है लाई, लाई तो ये लाई लगी हुई है, उसके बीच में शाहरुख खान वाला सीन बनाते हैं चल के। अभी अभी चल रहे हैं आगे की तरफ, अब गांव में आज पूरा गांव एक्सप्लोर करने वाले हैं हम लोग, पूरा गांव भाई, गांव के पूरे मज़े उठाने वाले हैं आज, अब समझो ये। तो भाई ये गेहूँ है और यहाँ पर पानी लग रहा है, और जो बीच में पानी लगा रहे हैं हमारे दादा हैं, तो हमारे दादा जो हमारे सगे दादा हैं उनके भाई, तो देखें अभी बीच में पानी लगा रहे हैं खेत के बीच में भी, और कितने बूढ़े हैं भाई, और कुछ बीमार बीमार नहीं होते गांव के लोगों की, बस यही एक खासियत है, बीमार नहीं होते चाहे जितना पानी में रहे, बता रहे हैं पूरी पूरी रात पानी में रहते हैं हम लोग, कुछ नहीं होता भाई। अच्छी खासी उम्र है उनकी, तकरीबन होगी 70 और 70-75 साल, और क्या पता ज़्यादा हो, पता नहीं हो, कन्फर्म नहीं है। बाकी यहाँ पर अरहर की दाल भी लगी हुई है, ये अरहर की दाल है, ये अरहर की दाल है, ये कटेगी जब सारा कुछ कट जाता है, बता रहे हैं गेहूँ व्यहूँ और जो लाई आई सब कट जाती है, जब जाके अरहर की दाल चैत में कटती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है जब, बहुत लेट फसल आती है। तो अभी लग चुकी है ये अरहर की दाल, लेट
ये देखें भाई गांव का शाहरुख खान, गांव का शाहरुख खान निकल गया है अभी बीच में से। अभी हम लोग टहलते टहल चल रहे हैं आगे की तरफ। तो अभी अमरूद ले लिए भाई, अमरूद खाते हुए जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे बन रही है पानी की टंकी गांव के अंदर, ये देखो तो काफ़ी तरक्की कर रहा है ये गांव माशाल्लाह। और ये पूरी पानी की टंकी बन रही है। तो अभी टहलते टहलते हम लोग आ गए हैं, अब जा रहे हैं खेत के अंदर और खेत के अंदर के मज़े लेने जा रहे हैं। और ये देखें भाई बंजर ज़मीन, खतरनाक रास्ते, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम लोग पैदल कूदते फांदते। और ये देखें छोटा सा तालाब खेत के अंदर होते हुए जा रहे हैं। और ये लाई, लाई के फूल कभी गन्ना तोड़ने जा रहे हैं। ये देखो भाई पकड़ ना ले कोई, गन्ने खेत लगा हुआ है तो पूरा। अभी चुपचाप से गन्ना तोड़ बच्चे। अच्छा इन्हीं का खेत है, तू चुपचाप क्यों कह रहा है? गन्ना तोड़ ले आ गई, गन्ने लगे हैं। भाई तो बहुत बड़ा गन्ने खेत है, कैमरा ऊंचा करना पड़ेगा। रुको ये देखो भाई है। मैंने ड्रोन बना दिया अपने कैमरे को ड्रोन, वही देखें गन्ने खेत। वही अभी कहाँ घुसते फिर रहे हैं हम लोग, ये देखो कौन मिला है, पतले गन्ने। तो अभी गन्ने के खेत के अंदर घुस गए हमारे भाई, देखें हाथी की तरह ऐसी हाथी को ज़्यादा गन्ने के खेत में। ये देखो कहाँ पर तो गन्ने तोड़ रहे जाके, ये गन्ना हो गया तोड़ लेंगे इसलिए थोड़ा थोड़ा तीनों लोग। हमने चू है, चू लेना नहीं हमें नहीं, हम दो कर दे रहे तुम्हें काटा। इतना को आवाज कर गया, इतना तो व्यवहार बनाया है, आवाज कर बहुत मजे आ रहे भाई। भाई गांव की लाइफ बहुत गजब की है, दो तीन दिन के लिए। अब भाई हम लोग, अब हम लोग मेड़ मेड़ जा रहे हैं, ये देखें कितनी पतली सी मेड़ बनी है। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा भाई, और काफ़ी बड़ा सफ़र है हमारा इस गांव को घूमने का। तो बाकी आगे का सफ़र हमारा नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा। तो आप भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और नेक्स्ट ब्लॉग देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग और मज़े वाला आने वाला है। तो मिलते हैं एक और ऐसे नए ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और गन्ना भाई बहुत ही ज़्यादा मीठा है, एक बार वाइड लेते हैं उसके बाद ब्लॉग ख़त्म करते हैं। ये देखें भाई ये क्या हुआ, ये कौन आके बैठ गया यार, फूल के साथ साथ हमारा भी रस चूसने आ गई भाई मधुमक्खी। चलिए आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ख़त्म। तो आज का ब्लॉग करते हैं भाई यहाँ पर ख़त्म। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।